माननीय अध्यक्ष यूजीसी प्रोफेसर डीपी सिंह सर से आग्रह करूंगी कि आप हम सब का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर डीपी सिंह सर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच डी चारण जी, विश्वविद्यालय के से जुड़े हुए सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, विभिन्न महाविद्यालयों के और विश्वविद्यालयों के सभी शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थियों और उनके सभी माता पिता अभिभावक गण, आप सभी को मेरा विनम्र अभिवादन प्रणाम। सबसे पहले तो मैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को और उसके माननीय कुलपति प्रोफेसर चारण जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और वह है कि विद्यार्थियों के लिए एक 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन, और विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है, बहुत ही प्रासंगिक है, हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है, जीवन की सार्थकता से जुड़ा हुआ है, और वह है उस शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश। मैं माननीय कुलपति को इसके लिए बधाई देता हूँ, उनके सभी साथियों को जो कि इस अच्छे अभियान में शामिल हैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जहाँ तक मानवीय मूल्यों की बात है, मानवीय मूल्यों का जीवन में वही महत्व है जो कि गुलाब में सुगंध का महत्व है, और इसलिए मानवीय मूल्यों को फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ कहा गया है। अर्थ ये हुआ कि यदि गुलाब कितना भी खूबसूरत हो, उसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, उसमें सुगंध नहीं है, तो उसकी जो मौलिकता है, उसकी जो प्रामाणिकता है, उसका जो मूल स्वभाव है, वह फिर नहीं रह जाता। इसी तरह से मानव के जीवन में मानवीय मूल्य हैं। व्यक्ति पहचाना जाता है सद्गुणों से, सदाचरण के माध्यम से, उसके कार्य के माध्यम से, उसके व्यवहार के माध्यम से, उसके सदाचरण के माध्यम से। और जब हम किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व कृतित्व के आधार पर नापते हैं, आकलन करते हैं, याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मानवीय मूल्य हैं जिनके आधार पर हम किसी को महापुरुष कहते हैं, किसी को विशाल हृदय वाला महामानव बोलते हैं, किसी को महामना बोलते हैं, किसी को महात्मा बोलते हैं, आदि आदि आदि। तो इसलिए जीवन में मानवीय मूल्यों का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है ऑनलाइन, और मुझे माननीय कुलपति जी ने बताया, और जिसे जानकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने विद्यार्थियों से ये भी आग्रह किया है, अपेक्षा की है, स्नेहवत अपेक्षा की है कि वह इसमें अपने माता पिता के साथ, अपने अभिभावकों के साथ शामिल हों। कहा जाता है मानवीय मूल्यों के संदर्भ में कि जो परिवार है, सबसे पहले वहीं से मानवीय मूल्य सिखाए जाते हैं, और अपनी जो माँ है, माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। तो परिवार से जो कुछ मूल्यों का संप्रेषण होता है, वही आगे जाकर के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में आगे बढ़ते हैं, परिष्कृत होते हैं, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, और हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते हैं, जिसके माध्यम से कि हमारी एक पहचान बनती है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं तो जहाँ तक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की मानवीय मूल्यों के
परिप्रेक्ष्य में महत्व की बात है तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी के एक कथन को दोहराना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने बहुत वर्ष पहले BHU की स्थापना के समय कहा था और उसमें दर्शाया था कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मुझे लगता है उनका कहा हुआ जो वक्तव्य है वह आज भी बहुत सामयिक है, बहुत प्रासंगिक है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, उसके महत्व के लिए। उन्होंने कहा था कि एक विश्वविद्यालय अपना आधा ही कार्य पूरा करेगा यदि वह अपने विद्वानों की हृदय शक्ति अर्थात हार्ट पावर को उसी आग्रह के साथ विकसित नहीं करना चाहता है जिसके साथ वह उनकी मस्तिष्क शक्ति या ब्रेन पावर का विकास करता है। इसलिए इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय यानी कि BHU के प्रमुख उद्देश्यों में से एक युवाओं का चरित्र निर्माण करना है। यह विश्वविद्यालय न केवल मनुष्य को इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, व्यापारी के रूप में बल्कि उन्हें चरित्रवान और संभावनाशील बनाएगा जो उनके जीवन के आचरण से परिलक्षित होगा। कितनी बड़ी बात महामना ने उस समय कही थी और विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य उन्होंने सबके सामने रखा था। मुझे लगता है कि ये आज भी बहुत सामयिक है और मैं तो महसूस करता हूँ कि आज और अधिक प्रासंगिक है कि पूरा विश्व और हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, अभी पूरा विश्व जो वैश्विक महामारी COVID-19 है उससे ग्रसित है। हम एक विषम कालखंड से गुजर रहे हैं लेकिन इसी समय हमारे अंदर की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य हमारी अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, जो परफेक्शन है, उसका प्रस्फुटन या मैनिफेस्टेशन ही शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चे के मन, आत्मा और शरीर में विद्यमान जो सर्वोत्तम तत्व है उसका प्रस्फुटन ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम इन अपने पुरोधाओं की के कथनों का स्मरण करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी हों, चाहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी हों, उन्होंने हमेशा मानवीय मूल्यों पर जोर दिया है, व्यक्तित्व के समग्र विकास की उन्होंने हमेशा बात की है, उन्होंने शिक्षा के माध्यम से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और आध्यात्मिक विकास पर जोर देने के लिए आग्रह किया है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है, अन्यथा तो हम अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं, अच्छा चिकित्सक बना सकते हैं, अच्छा लॉयर बना सकते हैं, अच्छा शिक्षक बना सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाना जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है यह बहुत आवश्यक है। और इसलिए अपनी पूरी की पूरी शैक्षिक व्यवस्था में हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हमारे कुलपतियों को, हमारे प्राचार्यों को, हमारे शिक्षकों को इस बृहद लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अच्छे इंसान बनाना है, हमें अपने विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण करना है, हमें उन्हें समाज से जोड़ना है, हमें उन्हें राष्ट्र निर्माण की जो मुख्य धारा है उसके साथ जोड़ना है और इसके लिए आवश्यक है मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा। जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आते हैं शाश्वत जीवन मूल्य, यूनिवर्सल वैल्यूज, जिसे कि
विभिन्न तरीके से सिखाया जाता है, हर जगह इनकी चर्चा होती है। और ये शाश्वत जीवन मूल्य हैं सत्य, सदाचरण, शांति, अहिंसा और प्रेम। ट्रूथ, राइटियस कंडक्ट, पीस, नॉन वायलेंस एंड लव, ये एक तरह से आधार हैं जिसके माध्यम से कि हम पूरी व्यवस्था कायम कर सकते हैं। और यदि हम इन पर जोड़ देते हैं अपनी पूरी शैक्षिक प्रणाली में, और हमें इन्हें केवल इनकी चर्चा नहीं करते, इन्हें केवल कक्षाओं में पढ़ाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बल्कि एक विश्वविद्यालय का कुलपति, एक महाविद्यालय का प्राचार्य, एक संस्थान का निदेशक और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में अध्यापनरत हमारे शिक्षक एक रोल मॉडल के रूप में, एक प्रादर्श के रूप में और एक आइडियल के रूप में, आदर्श के रूप में स्वयं इनको अपने जीवन में अपनाते हैं और वह अपने उनके जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परिलक्षित होते हैं। तो मुझे लगता है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, और विद्यार्थी देखते हैं एक विश्वविद्यालय के कुलपति या प्राचार्य का जो आचरण है, वह उसके साथी शिक्षक स्टाफ देखता है, जो शिक्षक का आचरण है वह विद्यार्थी देखते हैं और उनसे बिना कहे ही बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेते हैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो हमें स्वयं के आचरण से उस चीज़ को परिलक्षित करना चाहिए और बाकी लोग इसको निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। इसलिए ये केवल कहने भर से नहीं होगा, ये केवल कक्षाओं में बताने भर से नहीं होगा, बल्कि परिसरों में, समाज में, बृहद स्तर पर जो लोग शीर्षस्थ स्थानों पर हैं वो शिक्षक हैं, वो जो डिफरेंट फील्ड्स में जिनके पास लीडरशिप रोल है, ऐसे लोग अपने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने अपने कृतित्व के माध्यम से इन जीवन मूल्यों का अनुसरण करेंगे तो बाकी लोग अपने आप इसको ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें इसके साथ साथ बहुत से हमारी वर्क वैल्यूज हैं, हमारी नेशनल वैल्यूज हैं, हमारी सोशल वैल्यूज हैं और जिसकी मैंने चर्चा की ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। इसी में से फिर इमर्ज होता है दया है, करुणा है, ये सब भाव इसी में, सौहार्द है, समरसता है, परस्पर विश्वास है, एक दूसरे के भावों का सम्मान करना, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना, एक दूसरे की जो जो कल्चरल हेरिटेज है उसका सम्मान करना, ये सब भी इसी में से इमर्ज होता है। तो मैं तो जब मानवीय मूल्यों की बात होती है तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो शाश्वत मूल्यों की मैंने चर्चा की उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ वह है प्रेम। प्रेम के संदर्भ में कबीर ने कहा था और मैं दोहराना चाहता हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और सभी शिक्षक साथियों के लिए, कि उन्होंने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। उसके आगे रहीम जी ने भी इसको और आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि प्रेम बना रहना चाहिए, उसको बीच में गांठ नहीं पड़नी चाहिए और इसके लिए प्रयास करने होते हैं। रहीम जी ने कहा था, रहीम अन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पर जाए। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कि हमारे कबीर और रहीम जी ने कही। मुझे लगता है कि आज जब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे जो सांसारिक दौड़ है उसमें हम बहुत आगे जा चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हमें वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स। हमें जो कुछ सिखाया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी, हमें जो कुछ साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से अपने जो देश के पुरोधा हैं, समाज सुधारक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने जो कुछ मूल मंत्र दिए हैं उनको अपनाने की आवश्यकता है। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के
संस्थापक कुलपति, और मुझे सौभाग्य है कि मैं BHU का वाइस चांसलर रहा, वो तो हमेशा कहा करते थे कि प्राचीन और नूतन का समागम होना चाहिए। जो कुछ हमारे पास श्रेष्ठ है, हमारे एंशियंट विजडम है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल विजडम है, इंडिजिनस नॉलेज है, जो देशज ज्ञान है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारे पास आया है, सदियों से आया है, और जो हमने विश्व को दिया है शांति, अहिंसा और प्रेम, जिसके लिए ये देश पूरे विश्व में जाना जाता है, उसको अपनाने की आवश्यकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थियों के लिए ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे विद्यार्थी अपने अपने विषयों में पारंगत बने, वो दक्ष बने, कुशल बने, उनके अंदर अच्छी स्किल्स हों, उनके नॉलेज के संदर्भ में बहुत आगे जाएं, साइंस, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इनोवेशंस सब में वो आगे बढ़ें, अपने अपने ज्ञान की विधा में शीर्ष पर पहुँचें, लेकिन उसके साथ साथ उनका व्यक्तित्व मानवीय मूल्यों से उत्प्रोत हो, अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर हो, और अपने जीवन को वो सार्थक बनाने की कोशिश करें। इसके लिए मानवीय मूल्यों की शिक्षा बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा माननीय कुलपति जी कि UGC ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक UGC क्वालिटी मैंडेट विगत वर्षों में लागू किया, और उसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग विषय थे, वर्टिकल्स थे, उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण थे जो कि सीधे सीधे तौर पर मानवीय मूल्यों से जुड़े हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास से जुड़े हैं, समग्र विकास से जुड़े हैं, ऐसी कुछ पहल UGC के द्वारा की गई हैं अंडर दी UGC क्वालिटी मैंडेट, जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा आपको करना चाहूँगा। सबसे पहले, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम है, तो सबसे पहले जो पहल विद्यार्थियों के लिए की गई, वैसे तो पूरी शिक्षा व्यवस्था, नियामक संस्थाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे विद्यालय, सभी को विद्यार्थी केंद्रित ही होना चाहिए, लर्नर सेंटर की होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के लिए एक हमने पहल की है, वह है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम दीक्षारम्भ नाम से। विद्यार्थी हमारे विभिन्न जगहों से आते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के परिसरों में प्रवेश करते हैं, गाँव से, देहात से, दूर दराज से, आदिवासी क्षेत्रों से, और विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं। वे एक सहज भाव से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर के सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हुए, सहज समझते हुए अपना शिक्षा का कार्य शुरू करें, विद्याधन शुरू करें। इसके लिए ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम हम लोगों ने जारी किया है, जो कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए है। आपका, क्योंकि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो मुझे ज्ञात है कि AICTE के द्वारा इससे भी लंबी अवधि का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, और आप उसको चला रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो दीक्षारम्भ, उसके अलावा हम देखते हैं कि विद्यार्थी अपने अपने विषय में तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन बहुत से तत्व हैं जो कि किसी के लिए जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक हैं, जिनको हम जीवन कौशल कहते हैं, लाइफ स्किल्स कहते हैं, जिसमें कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, संप्रेषण स्किल्स हैं, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, हमारी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं, हमारे मानवीय मूल्य हैं। तो ये सभी को मिलाकर के हमने एक पाठ्यक्रम विकसित किया है जीवन कौशल के नाम से, लाइफ स्किल्स। और ये सभी जो जिनकी मैंने चर्चा की, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हों, लीडरशिप स्किल्स हों, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हों, और ह्यूमन वैल्यूज हों, ये सभी के यदि व्यक्तित्व में होती हैं तो माना जाता है कि वो व्यक्ति सफल होता है। तो ये जीवन कौशल विद्यार्थियों के लिए। एक और हम लोगों ने पहल की है, वो है मूल्य प्रवाह। मूल्य प्रवाह पूरी तरह से इनकल्केशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के लिए है। इसमें हमने एक परिकल्पना की है कि एक वैल्यू बेस्ड हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड टीचिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए, और एक पूरा का पूरा माहौल एक परिसर का कैसे वैल्यू बेस्ड हो, उससे संबंधित जो कुछ भी मूल बातें हैं
वो इस डॉक्यूमेंट में हमारी कही गई है मूल्य प्रभाव में। एक और जो महत्वपूर्ण विषय है वो है पर्यावरण से लेकर के, और इसलिए सतत नाम से इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल कैंपस कैसे हों हमारे, इसके लिए भी हमने गाइडलाइंस जारी की है, फ्रेमवर्क जारी किया है सतत नाम से, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसमें पर्यावरण अनुकूल जो परिसर हों वो कैसे विकसित हों, विद्यार्थियों में वो पर्यावरण और संपोष विकास से संबंधित ज्ञान और तकनीकी का विकास कैसे हो, हमारे परिसरों में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हुई दिखें, वो वहाँ से समाज में स्वीकार्यता ग्रहण करें और सब इनका ध्यान रखें सतत। और इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल UGC के द्वारा की गई है, वो है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, गुरु दक्षता, हमने नाम दिया है गुरु दक्षता। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम उन सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उनके लिए डेवलप किया गया है। एक माह का ये फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम है, जो कि सभी हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों उनके द्वारा संचालित किए जाएंगे। और ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इसमें भी हमने ह्यूमन वैल्यूज़ और यूनिवर्सल वैल्यूज़ पर जोड़ दिया है कि हमारा जो शिक्षक है वो अपने विषय के अतिरिक्त उसके अंदर जिस चीज़ की मैंने अभी चर्चा की कि एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक आइडियल होना चाहिए, आदर्श और प्रादर्श के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या हो, और जो बहुत सारे हमारे कॉमन इशूज़ हैं जिसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हों, चाहे वो जेंडर सेंसिटाइजेशन से संबंधित हों, चाहे वो डिसेबिलिटी से संबंधित हों, चाहे वो हमारा विभिन्न जो दूसरे इशूज हैं उससे संबंधित हों, ह्यूमन वैल्यू से संबंधित हों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो हम बात करते हैं, क्योंकि आज का जो विद्यार्थी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है वो केवल विद्यार्थी नहीं है, वह इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी है, उसको वोटर के रूप में एक सरकार ने चुनने का राइट भी है, और इसलिए उसको जो ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जो शिक्षा के बड़े उद्देश्यों की जिसकी मैंने चर्चा की है कि व्यक्तित्व का समग्र विकास, राष्ट्र निर्माण में हमारे युवाओं की भूमिका, चरित्र निर्माण, अच्छे इंसान विकसित करना शिक्षा के माध्यम से, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हर शिक्षक फिजिक्स, मैथमेटिक्स आदि विषय पढ़ाने वाले शिक्षक को केवल फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ साथ इन बातों को कैसे इंटीग्रेट करना है पढ़ाते समय, अध्यापन करते समय, कक्षाओं में, लेबोरेटरीज में, कैंपसेस में, प्लेग्राउंड्स में, हॉस्टल्स में, तो ये सब मिला करके व्यक्तित्व का समग्र विकास पूरा हो पाएगा विद्यार्थियों का। और इसके लिए हमारे शिक्षक इन सभी जो मूलभूत दायित्व हैं उनको भी समझें अपने अपने विषय के साथ, तो ये जेनरिक टाइप का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जेनरिक हमारा है गुरुदक्षता नाम से। और इसमें शिक्षक को जैसे नाम दर्शाता ही है गुरु के रूप में देखा गया है, जैसे कि अपनी गुरुकुल में परंपरा रही है, गुरुकुल में न केवल शास्त्र पढ़ाए जाते थे बल्कि शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था, जीवन संग्राम के लिए उनको तैयार किया जाता था, जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो मुझे लगता है कि अब पुनः हमें अपने परिसरों में अपने विद्यार्थियों के आज के संदर्भ में युगानुकूल, जिसमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन शामिल है, वो सब भी करते हुए ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ पहल हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई हैं। मुझे लगता है कि आज जबकि पूरा विश्व और भारत जिसमें शामिल है COVID-19 महामारी, वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, ऐसे समय पर जबकि हमारे विद्यार्थियों के मन में, मस्तिष्क में बहुत से तनाव हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत सी शंकाएं हैं, ऐसे समय पर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश इस नाम से जो ये ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो अंत में यही आग्रह करना चाहूँगा आप सभी से कि हम धैर्य रखें, संयम बरतें, जो नियम हैं उनका पूर्णतः पालन करें,
जो कोविड-19 के फैलाव की संबंधित जो रोकथाम सरकारों के द्वारा बताई जा रही हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करें, हम स्वयं स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। शिक्षकों से मेरा निवेदन यही करूँगा कि शिक्षक केवल अपना क्लासरूम टीचिंग नहीं बल्कि एक मेंटोर के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक कैटालिस्ट के रूप में, एक फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में विद्यार्थियों के साथ पेश आएं, तो देखेंगे पूरा माहौल ही बदल जाएगा। विद्यार्थियों से अपनेपन का व्यवहार करें, लव फॉर लर्निंग एंड लव फॉर टीचिंग, लव फॉर लर्नर, यह संस्कृति विकसित करें और शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से जो कुछ जानने के लिए आवश्यक है, लर्निंग टू नो गुड, लर्निंग टू डू गुड एंड लर्निंग टू बी गुड, इसका लक्ष्य हम अपने सामने रखें तो हमारा पूरा परिदृश्य बदलेगा, हम एक श्रेष्ठ माहौल अपने कैंपसेस में विकसित कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों को प्रणाम करता हूं और सभी शिक्षकों को, महाविद्यालय के प्राचार्यों को और विशेषकर माननीय कुलपति जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे आयोजन के लिए, और ये भविष्य में चलता रहे ये क्रम और सफल हों आप दूरगामी लक्ष्य में, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।